दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। एक हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख सकते हैं स्वराज 444 XT गाड़ी है, जो ये फिर से काफ़ी अलग है, जो 50 हॉर्स पावर की गाड़ी है और इसका पीछे वाला चक्का 14928 है, बहुत हाईवी चक्का है और इसका पावर भी बहुत बढ़िया है। इसको चला कर भी आप लोगों को दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। हमारे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल पर अपने चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब दिखाएंगे आप लोग को, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें देखते हैं रोटावेटर लगा है, जो कि 1.5 मीटर का है, पूरा दिखा देने भी उसका 1.5 मीटर का रोटावेटर लगा है। और दोस्तों, यह 3 सिलेंडर की गाड़ी है, देख सकते हैं यहाँ पे 3 सिलेंडर गाड़ी है और इसको तो पता ही है आप लोगों को गाइस क्या है, धुआं फेंकने वाला है, साइलेंसर इसका। आप लोग देख सकते हैं चाबी इसमें लगाया जाता है, जैसे चाबी मैं ले लिया हूँ, इसको यहाँ पे लगाऊंगा और ऐसे एक बार हल्का सा ऑन करूंगा। यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लाइट जल चुकी है और आप लोग देख सकते हैं ये है अपना लाइट। यहाँ पे ऑफर, यहाँ पे करेंगे ऑफर डीपर, यहाँ पे पार्किंग की लाइट जलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लाइट जल रही है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। कुछ खास चीज़ है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ, जो है लेबर को उठाने के लिए यहाँ पे डिप दिया है, ड्राप दिया है, स्लो दिया है, जिससे उसे उठा सकते हैं। यहाँ पे डाउन दिया है, यहाँ पे अप दिया है, ऊपर की तरफ इधर करेंगे तो आपकी हर जो है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यह यही उठाता है हर को। यह है जो ट्राली को प्रेस करता है उठाने के लिए, जो ट्राली को उठाया जाता है, जो प्रेशर ट्राली है, जो आप देख सकते हैं वहाँ पर रखी हुई है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं यह PTO जो कि रोटर को राउंड करने के लिए लगाया गया है, जिसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो राउंड करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे है, लगा हुआ है, यही है, रोटर को राउंड करता है, नचाता है, जिससे हर लगता है, हर जोता जाता है। अब आप लोग को बताएंगे गाड़ी कैसे चलती है इसके बारे में, तो आप ले आइए दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं जो लेफ्ट लेग पर है, यह क्लच, अपना क्लच है जो गाड़ी को फ्री करने के लिए लगाया जाता है। और यह है अपना ब्रेक, जो कि यहाँ पे राइट ब्रेक है, राइट चक्के के पीछे वाली चक्के की ब्रेक है, एक लेफ्ट वाली के है, दोनों के एक साथ भी लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है, दोनों फंसा कर एक साथ भी लगा सकते हैं। ये अपना एक्सीलेटर, लेग एक्सीलेटर है, यहाँ पे हैंड एक्सीलेटर है, दोनों दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे चाहें वैसे चाहें लगा सकते हैं। और ये है अपना गियर, देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे करके ऊपर की तरफ करेंगे तो रिवर्स लगेगा, या आप नीचे करेंगे 1 नंबर, उसके बगल में करके नीचे करेंगे तो 2 नंबर, इधर करके ऊपर करेंगे 3 नंबर, नीचे करेंगे 4 नंबर। ये 4 गियर की गाड़ी है, एक रिवर्स गियर है, आप देख सकते हैं ऊपर करेंगे तो हाई लगेगा, लो लगेगा, और नीचे की तरफ करेंगे तो हाई लगेगा और बीच में न्यूट्रल हो जाएगा। देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, अब नीचे करेंगे तो हाई लगेगा, ऊपर करेंगे तो लो लगेगा। अपना यह है स्टीयरिंग, जो पहियों को कंट्रोल किया जाता है, आगे वाली पहियों को देख सकते हैं। अपने को की को यहाँ पे लगाकर, चाबी लगाकर हल्का सा ऑन करेंगे, गाड़ी ऑन हो चुकी है और यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल है गाड़ी, अभी गाड़ी फिलहाल में न्यूट्रल है। इसको अभी हम चला के आप लोग को दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो की कीमत कीजिएगा। चलिए गाइस, अब इसको चला कर दिखाएंगे कैसे चलती है गाड़ी। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले एक बार राउंड करेंगे, जो गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी तो एक बार और राउंड करेगा तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं गाइस, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें गियर लगा के आप लोगों को दिखाएंगे कैसा गियर लगता है। सबसे पहले गाइस इसको लीवर को नीचे करेंगे हाई के लिए, ऊपर करेंगे तो लो लगेगा, नीचे करके हाई लगाएंगे। इसको फर्स्ट गियर में डालेंगे, इधर करके नीचे करेंगे तो फर्स्ट गियर में गाइस जाएगी गाड़ी हमारी, फर्स्ट गियर में हो गई। अब इसको चला के दिखा रहा हूँ, अब इसको चला के दिखा रहा हूँ कैसे चलती है गाड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी चला के आप लोग को दिखा दिए हैं। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।